कहानी तेती एक ही किसाना री कहानी। एक सा दिहाड़ी यशु झीला रे किनारे बहुत लोग शिक्षा दिंदो लागो थी। यशु री गल्ला सुनने री तेनी इतने लोग आए कि त्याबे खड़ने बे जगह नहीं रही। तेबे यशु किश्ती में बैठो और लोग शिक्षा दिंदो लागो। यशु त्याबे एक कहानी सुनाई। एक किसान बेजे बौंदो बागे निकतो। बेजे बौंदे वक्ते थोड़ा बेजा बातर है किनारे पड़ू चेलू इच्छी करे सो चुंगू। थोड़ा बेजा शापड़ा वाली जमीना में पड़ू जखे माटा कम थी सो बेजा छेको लगा। पर थोड़े माटा होने री बजा का त्यू बेजे री जड़ा डूगी नाई नाठी थी। जेवा ध्याड़ो निकतो और धूप लगी तेवा त्यू बेजे रा पिब्बू सुके। थोड़ा बेजा जाकड़े पड़ू सो बेजा लगा पर कांडे सो दबाऊ और ज्यों बढ़ने नाई दिना तेबा जो बेजा जाकड़े लगा दा बेजा किच्छे फल नहीं दे सका। जो बेजा रामड़े जमीना में पड़ू सो बेजा लगा और बड़ा होई करे तेता में फसल होई करे ती गुणा कई 60 गुणा और कई अखे तेणी की 100 गुणा फसल होई। तेबा यीशु लोका बे बोलू जो कुछ हाऊं तमा बे बोला तमे तेता समझने री कोशिश करा। ऐसा कहानी सुनी करे चेले उलझना में पड़ी। तेबा यीशु त्या समझाई कि सो बेजा परमेश्वर रा बचन सा बाता पढ़ू दा बेजा तेऊ मनशा साई सा जो परमेश्वर रा बचन ता सुना पर तेऊ समझदा नहीं। तेबा सो बचन सुना तेबा शैतान तेऊ रे मन्ना का बचन चोरी पाउंदा। शापड़ा वाली जमीना में पढ़ू दा बेजा तेऊ मनशा साई सा जो परमेश्वर रा बचन सुनी करे तेता खुशी संगे माने। पर जेबा तेवरी जिंदगी में दुखा रा वक्त इंदा तेवा सो तेव वक्ते परमेश्वर पेंदे विश्वास नहीं करदा। जाकड़े पड़ू दा बेजा तेव मनशा साई सा जो परमेश्वर रा बचन सुना पर सा संसारा री चिंता में और परेशानी में फसी रहंदा। जेड़े की डब्बे रा लालच धोखा चीजा रा लोभ या सारी गला तेवरे मित्रा का बचन बनाऊदा होर ऐसा बजा का यो सबा रे लोका आत्मिका फला पावने का रोंदा। पर शुभली जमीना में पड़ू दा बेजा सो मनुष्य सा जो परमेश्वर रे बचना सुना और तेऊ पेंदे बिश्वास करा और फल पैदा करा।